Hello student, today we are going to start exercise 8F. In this exercise, the question is performing based on unitary method. Okay, unitary method होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा. देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप कहीं दुकानदार के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि जैसे दुकानदार ने आपको बताया कि भाई 20 pence जो हैं वो आपको 40 rupees में मिलेंगे. ठीक है, 20 pence की कॉस्ट कितनी है? 40 rupees. अब आपको चाहिए 50 pence. ठीक है, अभी 20 pence की कॉस्ट है 40 rupees, तो आपको चाहिए 50 pence. तो 50 pence की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 pen की कॉस्ट निकालिए. ठीक है, अगर आपको 1 pen की कॉस्ट पता होगी तो आप 50 pence की आसानी से निकाल पाएंगे, है ना. जैसे कि अभी 20 pence की कॉस्ट थी 40 rupees, सो हमने 1 pen की कॉस्ट कितनी आएगी, 40 divided by 20, 22 जा 40, मतलब 1 pen पड़ा आपको 2 rupees का. तो 50 pen कितने पड़ेंगे, 15 to 2 100 rupees के. ओके, तो आइए हम क्वेश्चन से इनको समझते हैं. द कॉस्ट ऑफ 20 meter ऑफ क्लॉथ इज ₹1600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 28 meter ऑफ क्लॉथ. ठीक है, सो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 20 meter जो क्लॉथ है उसकी प्राइस है 1600 rupees, और आपको बताना है कि 28 meter अगर आप क्लॉथ खरीदते तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको. ठीक है, तो गिवन आपको क्या गिवन दिया है, 20 meter ऑफ क्लॉथ इज ₹1600. सो कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ क्लॉथ, डिवाइड कर दीजिए इसको 20 से, आपको पता चल जाएगी 1 meter की कॉस्ट. 0 से 0 कैंसल एंड 2 8 16, तो 1 meter की कॉस्ट है 80 rupees. सो आप 28 meter की कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितने मीटर्स का चाहिए, 28 meter. सो 80 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 into 28, सो आंसर इज 2240. सो द कॉस्ट ऑफ 28 meter ऑफ क्लॉथ इज ₹2240. ओके, नाउ आफ्टर देन क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4. अ कार ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 30 liter ऑफ पेट्रोल. एक जो कार है वो ट्रेवल करती है कितना, 540 किलोमीटर करती है ट्रेवल, कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में, 30 liter ऑफ पेट्रोल में. तो उसे अगर उसके पास 20 liter पेट्रोल है तो वो कितना किलोमीटर उसने कवर किया था, है ना, कितनी दूरी उसने कवर करी थी 20 liter पेट्रोल में, वो बताना है. 30 liter में तो 540 करी थी, बट 20 लीटर में कितनी करी थी ये आपको नहीं पता है. तो देखिए, सबसे पहले 30 लीटर जो पेट्रोल था तो उसने कार कितना ट्रेवल करी, 540 किलोमीटर. तो 1 लीटर में उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया होगा पहले तो ये पता लगाइए. तो 540 upon 30 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24. ठीक है, सो 1 लीटर पेट्रोल में उसने 18 किलोमीटर तक ट्रेवल किया. अब 20 लीटर पेट्रोल में हम पता लगा सकते हैं, तो 20 लीटर पेट्रोल ऑफ अ कार इज इक्वल टू 20 into 18 किलोमीटर. ओके, तो 20 into 18 किलोमीटर कितना हो गया, 360 किलोमीटर. ओके, अंडरस्टूड. सो हैंस अ कार ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल. 20 लीटर पेट्रोल में उसने 360 किलोमीटर कवर किया. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन अ फैक्ट्री इट वॉज फाउंड दैट फॉर एवरी 15,000 लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस्ड, सो 60 वर फॉल्टी. इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फैक्ट्री है जिसमें उन्होंने 15,000 लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस किए, है ना, इतने बल्ब्स बने जिसमें से हर बार जो 60 बल्ब रहते हैं वो हर बार फॉल्ट में निकल जाते, बेकार निकल जाते. हाउ मैनी आर लाइकली टू बी फाउंड फॉल्टी इफ 6,000 आर टेस्टेड. अगर वो 6,000 बल्ब का टेस्ट लगाते हैं तो कितने उसमें से फॉल्ट निकलेंगे. अगर 15,000 में से 60 बल्ब फॉल्ट निकलते हैं तो 6,000 में से कितने बल्ब फॉल्ट निकलेंगे. तो जब आपके पास 15,000 बल्ब थे तब कितने बल्ब फॉल्ट निकल रहे थे, 60. ओके, तो एक बल्ब अगर फॉल्टी है, है ना, वन बल्ब वॉज प्रोड्यूस्ड फॉल्टी, सो वन बल्ब के लिए क्या कर देंगे हम, 60 divided by 15,000. ठीक है ना, वैन 6,000 बल्ब प्रोड्यूस फॉल्टी, सो इसको मैंने कैंसिल आउट नहीं करा, यहीं पे लेके आ गई मैं डायरेक्ट
तो 60/15,000 6,000, ये 6,000 थे इसलिए 6,000 से मल्टीप्लाई कर दिया. 30 कैंसिल, 3 15, ठीक है, 3 2 6, 5 5 एंड 5 5 एंड 5 2 10, 12 2 24 बर्ब्स. हैंस 24 बर्ब्स वर फाउंड फॉल्टी इफ 6,000 आर टेस्टेड. अगर 6,000 का टेस्ट लगाते हैं तो उसमें से 24 बर्ब्स जो है वो फॉल्ट निकलेंगे. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.